हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज अपन कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, आज अपन ना ही एमसीक्यू करने वाले, बट आज अपन वो चीज़ पढ़ेंगे जो अपनी पूरी केमिस्ट्री में जितनी भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जैसे अपन देख सकते हैं पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, हाइड्रोजन वाले ग्रुप होते हैं, उन सब के बारे में, जैसे पी ब्लॉक अपन पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ऐसे ही अपन एस ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो इनका जो बेसिक नेचर होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रेडियस क्या होती है, किस साइड बढ़ती है घटती है, ये सब अपन इसमें देखेंगे ना, क्योंकि आज अपन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ते हैं इसके बाद अपने लिए सारे चैप्टर जो है क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैंने डी ब्लॉक बताया था, तो डी ब्लॉक में उस दिन मुझे लग रहा था कि अपन को पहले पीरियोडिक टेबल कराना चाहिए, बट नहीं करा। अब अपन पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करेंगे और आज की पूरी क्लास में इसी को अच्छे से अपन देखेंगे। तो अपन आज पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे कि कैसा नेचर होता है, किस तरफ जाने से कौन से नेचर में वृद्धि होती है, कौन से में कमी होती है, ये सब अपन देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत करना, लेकिन अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सपोर्ट करना एंड शेयर करना, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी स्टूडेंट जो नया है इस चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। कई स्टूडेंटों की डिमांड है कि मैम क्लास का टाइम बढ़ाएं और सिलेबस कैसे होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस आपका हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेबस कैसे करवाना है। रही बात टाइम बढ़ाने की, टाइम आपका इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा था क्योंकि अभी क्या है, स्टार्ट किया था अपन ने क्लास से, अगर अचानक से हम अगर 40 मिनट की क्लास लाएंगे तो ना तो आप स्टैंड इतने देर तक बैठ सकते हो, सिटिंग आपकी नहीं हो सकती उस क्लास के लिए, और ना ही हम इतना लंबा क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपनी कंटिन्यूटी में आएगी लंबी क्लासें। बाकी रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो है आपको भी पता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन इतना कराना मैटर नहीं रखता है, एमसीक्यू से थ्योरी करवाना ज़्यादा बेटर होता है। तो आपका जो सिलेबस है उसके लिए काफ़ी टाइम है, आपका जो सिलेबस है वो विद इन 1.5 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं जनरल ट्रेड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द पीरियड एंड ग्रुप्स। तो अपन को ये देखना है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें कौन सा जो आपका प्रॉपर्टी होती है उसमें इंक्रीज होता है कौन सा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अपन सबसे पहले अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो ये क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, परमाणु त्रिज्या। वो क्या होती है परमाणु त्रिज्या, तो अपन एक देखते हैं कि एक परमाणु के अंदर नाभिक से दूरी जो होती है ये होती है परमाणु त्रिज्या, ठीक है, ये होती है एटॉमिक रेडियस। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि एक परमाणु जो यहाँ नाभिक है तो उसके अंदर अगर ये ऑर्बिटल आता है तो इसकी त्रिज्या यहाँ तक बढ़ेगी, अगर उसमें ऑर्बिटल मतलब अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल्स भी बढ़ रहे हैं तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है अपन बाएं से दाएं, ठीक है, क्या बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट अगर अपन जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट अगर अपन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। लेकिन ऊपर से नीचे मतलब किसी भी ब्लॉक में, जैसे अपन पी ब्लॉक की बात करें, जैसे अपन एक ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है, अपन ने ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करी, तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं इसमें क्या हुआ, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक अगर बढ़ रहा है तो इसमें रेडियस जो है वो भी बढ़ रही है। जैसे ही ऊपर से अपन नीचे की साइड आ रहे हैं तो रेडियस भी बढ़ रही है। तो इसमें अपने को पता चल गया कि ऊपर से जब भी अपन नीचे आएंगे वर्ग में तो रेडियस बढ़ेगी, और बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाएंगे तो ये डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब क्या होता है, किसी भी एक परमाणु से, या अपन बोल सकते किसी भी एक एटम से किसी एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितने विभव की जरूरत होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन आयनन विभव या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होएगा, जैसे अपन माने कि एक एटम है, ये एक कोई एटम है और एक एटम ये है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो इससे आसान होता है, ठीक है, बड़े आकार से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी होती है वो कम लगेगी जबकि छोटे में। तो इससे अपन देख सकते हैं, इसी से ये कॉन्सेप्ट को अगर अपन रिलेट करके देखें तो अपन देखते हैं कि
लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाएं, लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाए तो आकार में डिक्रीज, मतलब आकार घटता है, तो जो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, मतलब विभव होता है, तो जैसे जैसे आकार घटेगा अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज़्यादा ऊर्जा की या फिर उतने ही ज़्यादा विभव की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है और ऊपर से आने पे डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि आकार बड़ा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसके लिए एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गई अपनी दो बातें, ठीक है, एक एटॉमिक रेडियस के बारे में, एक आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। थर्ड अपना पॉइंट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणता। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन विद्युत ऋणता को बोलते हैं। आपको इस पॉइंट जितना भी मैं ये करवा रही हूँ इसमें किसी में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको भी पता है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनमें अपन हर एलिमेंट के बारे में, हर एक सीरीज़ के बारे में अपन देखते हैं कि उसके अंदर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उसका आयनन विभव क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ये सब अपन देखते हैं। तो अगर आपने कॉमनली अगर पीरियोडिक टेबल को एक जगह अच्छे से समझ लिया, तो आपको हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको भी पता है कि हर जगह अगर बताया जाएगा तो क्लासें हर जगह लंबी होगी, जबकि अपने को वो सब चीज़ें वैसे नहीं करनी है जैसे हर इंसान करता है। अपने को चीज़ों को वैसे समझना है कि अपन टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना करें, अपन चीज़ें भी ज़्यादा समझ पाए, मतलब आउटपुट और इनपुट जो है वो अपना अच्छे से अच्छा हो, ना तो अपन ज़्यादा टाइम लें और ना ही ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट करें। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, और अपने को वही करनी है क्योंकि सिलेक्शन के लिए वही ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ आप हर चैप्टर में अगर एक एक एलिमेंट का पढ़ने बैठोगे तो आप नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो अपन को एक जगह ही देखना है सब चीज़ों को। तो अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता को बोलते हैं। अब विद्युत ऋणता क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया कि विद्युत ऋणता है तो आपने सोच लिया कि हाँ विद्युत ऋणता ऐसे ऐसे घटती है, बस खत्म बात। लेकिन ऐसा नहीं होता, अपन को पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन बोलते हैं कि जब दो एलिमेंट्स होते हैं तो उनके बीच में अगर बॉन्ड बने, दो अलग अलग भी हो सकते हैं, दो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो आपको भी पता है बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, प्लस माइनस इनके अंदर जरूरी होगा, ठीक है। बॉन्ड बनने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लस माइनस होना जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है कि बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, उसकी कितनी उसके अंदर एक्टिविटी है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और ऊपर से नीचे ये आयनन पोटेंशियल, मतलब सॉरी आयनन विभव के सिमिलर होता है। ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आयनन विभव के जैसा ही होता है। जैसे अपन मानते हैं कि एक छोटे आकार से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना मुश्किल है, उतना ही एक छोटे आकार से बॉन्ड बनाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जुड़ना जरूरी है। और आपको भी पता है कि छोटे आकार से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसी पर डिपेंड करेगी। तो ये बात हो गई अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब अपन को किसी से जुड़ना है, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ना है तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एफिनिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हाँ डिपेंड सेम करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता छोटे आकार का कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन निकालने में भी मुश्किल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है और उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री देना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसकी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी और उसका आयनन विभव भी ज़्यादा होगा। तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर दोस्तों क्या हुआ, उसमें इंक्रीज हुआ, और ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम आने पर उसमें डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये अपन ने चार पॉइंटों की बातें कर ली। फिर अपन देखते हैं पांचवा जो अपना पॉइंट दिया हुआ है वो अपन देखते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स, मतलब हैलाइड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, संयोजकता जिसको बोलते हैं अपन, संयोजकता क्या होगी, हैलाइड्स में क्या संयोजकता जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, वो सब चीज़ें अपन देखते हैं।
तो वैसे तो हर हैलाइड का अपन अलग देखते हैं, कोई हैलाइड जो है -1 शो करता है, कोई -2 करता है, तो वो सब अपन देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होता है, लेफ्ट टू जब अपन राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये डिक्रीज होता है। फिर अपन देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, धात्विक जो है, धात्विक गुण। तो अपन को धात्विक गुण के बारे में, तो धात्विक गुण के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे अपन ने हर कॉन्सेप्ट को लिंक किया कि एक साइज है, उसको भी अपन एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ साइज परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ती है, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा साइज भी बढ़ेगी। ऐसे ही अपन ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल को भी इमेजिनेशन कर लिया कि हाँ एक छोटे चीज से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल था बड़ी से, तो अपन ने हर चीज को इमेजिनेशन किया। लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक गुण है, इसको अपन इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज होता है। फिर अपन देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब ऑक्सीकरण प्रकृति। ऑक्सीकरण प्रकृति क्या होती है और अपचयन प्रकृति क्या होती है, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता चले आपको बेसिक चीज़ों का पता है या नहीं है। क्योंकि अपचयन और ऑक्सीकरण जो चीज़ें हैं ये आपके 11th की चीज़ें हैं, और 11th में आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं, फिर भी किसी का डाउट अगर रहा तो मैं आपको अगली बार जब भी अपन पी ब्लॉक करेंगे, अब नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो पी ब्लॉक होगा, तो पी ब्लॉक में मैं आपको वापस डिस्क्राइबली बता दूंगी, ठीक है। तो आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आने के अंदर डिक्रीज होता है। ऐसे ही जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो उसके अपोजिट होगा, क्योंकि आपको पता है जो अपचेन नेचर होता है, एच का जुड़ना अपचेन होता है, ठीक है, तो जो अपचेन नेचर होता है वो ऑक्सीकरण से अपोजिट होता है। मतलब क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग होता है वो ऑक्सीडाइज का अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर ऑक्सीडाइज जो है वो टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ये बात हो गई अपने कितनी चीज़ों की, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर हो गए, मेटेलिक कैरेक्टर हो गए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग। तो अपने 10 नेचर के बारे में अपन ने बात कर लिया है। फिर अपन देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्टिव। तो आपको मैं बताती होती हूँ जेड इफेक्टिव क्या होता है। ये होता है जैसे अपन देखते हैं, ये अपना अपने को सबसे पहले देखना चाहिए था, फिर अपन ने इसको बाद में देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन जो नाभिक होता है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रभाव, ठीक है, इसको जितना आकर्षण लगाएगा उसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। एक नाभिक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आकर्षण लगा रहा है वो होता है जेड इफेक्टिव, तो आपको याद रखना है। तो आपको पता है कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में क्या होता है, डिक्रीज, मतलब आकार घटता है। तो अगर आकार घटेगा तो जेड इफेक्टिव जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टॉप टू बॉटम आने पे घटता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, परमाणु का सॉरी एलिमेंट का जो है वो आकार जो है बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो आपको भी पता है ये आकार है, यहाँ पे एक नाभिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना उसके लिए इस पे आकर्षण लगाना उसके लिए मुश्किल है, जबकि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता उस पे उसको आकर्षण जो है वो ज़्यादा होता इसके कंपेयर में। तो ये आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आने पे जो है जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज होता है। फिर अगर अपन बात करें जेड इफेक्टिव के साथ, अपन एक चीज और देख लेते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, जेड इफेक्टिव का उल्टा होता है परिरक्षण प्रभाव। तो अपन याद रख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती होता है परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि जेड इफेक्टिव होता है नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ आकर्षण, ये तो है जेड इफेक्टिव। लेकिन नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण लग रहा है उस आकर्षण को कम करने के लिए या फिर उसको परिरक्षित करने के लिए, उसको उस आकर्षण से बचाने के लिए जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं अपन परिरक्षण प्रभाव। तो ये जो होगा ये होगा परिरक्षण प्रभाव और ये होगा जेड इफेक्टिव, तो ये आपको याद रखना है। तो परिरक्षण प्रभाव जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव जो है वो एटॉमिक रेडियस के इक्वल होगा, आपको ये याद रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आकार बढ़ेगा परिरक्षण प्रभाव जो है उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है।
फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है, मतलब आधारभूत कैरेक्टर हाइड्राइड्स के देखते हैं। तो हाइड्राइड्स जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है। ऐसे ही अपन ऑक्सीडाइज के कैरेक्टर देखें तो वो भी डिक्रीज इंक्रीज दोनों सेम ही चीज़ होती है। फिर अपन देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं अपन ऑक्सी एसिड, तो इन सब के बारे में अपन पी ब्लॉक में देखेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक आपको भी पता है जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री होती है उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है वो होता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में अपने को टाइम लगेगा दोस्तों, उसकी थ्योरी भी साथ साथ अपने को न्यूमेरिकल के साथ उसकी थ्योरी भी करनी पड़ेगी। तो मेरा पूरा ऐसा है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा करा पाऊँ, ठीक है, मेरी अच्छी से अच्छी मेहनत हो, तो मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे अच्छे से अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा मुझे भी क्लास को लेने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इसके बाद अगर अपन पी ब्लॉक करते हैं तो पी ब्लॉक में अपने को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर अपन देखते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ऑक्सी एसिड के कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होते हैं। ऐसे ही अपन को फिर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड देखेंगे, तो ये जो है ऑक्सी एसिड के बेसिक कैरेक्टर का उल्टा होता है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। फिर आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, जो कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है। नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगी। फिर अपन देखते हैं हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी, तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज और टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगी। फिर अपन डेंसिटी देखते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, तो घनत्व जो होता है वो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, मतलब जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले घनत्व जो है वो इंक्रीज होगा वो फिर डिक्रीज होगा, ये आपको याद रखना है। अब कहाँ तक डिक्रीज होता है कहाँ से इंक्रीज होता है ये अपन जब ब्लॉक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर जगह हर एक वर्ग के बारे में अलग से बताया जाएगा, हर एक के अंदर अलग से आपको बता दिया जाएगा। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये इंक्रीज होता है। फिर अपन देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपन देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये बढ़ती है, सॉरी डिक्रीज होती है, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज होती है। तो ये अपन ने देख लिए बेसिक कैरेक्टर जो अपने पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब रही बात कि दोस्तों आप बोलते हो कि क्लासेस जो है टाइम बढ़ा दिया जाए, ये सब कर दिया जाए, तो आपको भी पता है कि जितना अच्छा आप सपोर्ट करोगे क्लासों का टाइम बढ़ाने का, क्लासों को लंबा खींचने का, ये सब तभी होगा। आप भी क्लास को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का पूछें, ताकि मुझे भी पता हो आप क्लासों को कितना एक्टिवली पढ़ते हो, आप क्लासों के बाद कितना एक्टिवली तैयारी करते हो। आपको पता है आपकी एग्ज़ाम का अब टाइम ज़्यादा नहीं रहा है, तो आपको मेहनत डबल करनी होगी अब, क्योंकि आपके साथ अगर हम डबल मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करनी होगी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछें। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।